इस बीच सेंसेक्स ऊपर जाए या नहीं जाए, लेकिन एक चीज़ का ऊपर जाना तय है और वो है इसरो का पीएसएलवी रॉकेट, जो एक साथ 104 सैटेलाइट्स को आज अंतरिक्ष में प्लेस करने वाला है और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इनफैक्ट ट्रिपल डिजिट में एक साथ इतने सारे सैटेलाइट्स अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस करना ये पहली बार हो रहा है कि 100 से ज़्यादा सैटेलाइट इस तरह से प्लेस होने वाले हैं। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो रशिया का था, लेकिन वो 70 के आसपास का था, तो डेफिनेटली 77 टू बी प्रिसाइज। तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं इसरो के लॉन्च पैड से और अभी कुछ ही देर में पीएसएलवी लिफ्ट ऑफ होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ हेमंत जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेमंत, मॉर्निंग टू यू। राकेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हेमंत, अभी लिफ्ट ऑफ होने वाला है पीएसएलवी का, प्रॉब्लम इज इंडेक्स लिफ्ट ऑफ हो नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग। देखिए, जहाँ तक निफ्टी की बात रह गई, मेरे हिसाब से निफ्टी अभी भी एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से 88 कॉल पुट, अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहूँ कि पिछले चार दिन से लगातार 88 कॉल पुट जो जोड़ी जिसको हम बोलते हैं वो बेची जा रही है, लगातार दोनों में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और 160 रुपये से ये प्राइस नीचे आकर 120 रुपये रह गया है। मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट और इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा और डाउनसाइड यू मे नॉट सी मार्केट गोइंग बिलो 86.80 और ऊपर की साइड भी अब 89.30 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बाजार 88 के आसपास थोड़ा और कंसोलिडेशन जोन में जाना चाहिए। तो इसके रहते हुए इजी स्ट्रैटेजी कैन बी कि आप 86.50 का पुट बेच सकते हैं और 89 का कॉल बेच सकते हैं, टोटल प्रीमियम 50 रुपये के आसपास आ रहा है। तो ये एक सेफ स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बाजार 87 से 89 के बीच में हो सकता है शायद ये पूरी एक्सपायरी तक भी कंसोलिडेशन दिखाए। बट फॉर द टाइम बीइंग जिस तरह से 88 कॉल पुट में एडिशन हो रहा है, बाजार इसी रेंज में रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जी हेमंत, क्या ये कंसोलिडेशन निफ्टी बैंक में भी रहेगा? वहां लाइकली रेंज क्या रह सकती है आज या फिर आने वाले सेशंस में टिल एक्सपायरी? देखिए, बहुत ही सिमिलर चीज़ जो है वो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। 20,000 जिस सेशन से 20,000 क्रॉस हुआ है, 20,000 के पुट में लगातार एडिशन हो रहा है और 20,500 के अंदर कॉल राइटिंग। तो अगर आप प्रीमियम भी एडजस्ट करें दोनों का तो 19,900 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा और 20,600 के ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वी हैव टू फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स और बैंक निफ्टी की भी रेंज जैसे मैंने कहा 19,900 के नीचे मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 20,600 विल बी ऑन द अपसाइड रेंज। बिल्कुल, इस बीच ये दृश्य आप देख रहे हैं 9:28 पर लॉन्च होने वाला है पीएसएलवी, यानी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसमें कुल मिलाकर 104 सैटेलाइट, जिसमें से एक भारत का है और बाकी जो सैटेलाइट्स हैं वो बाकी कंपनीज के विदेशी सैटेलाइट्स हैं जिसे इसरो प्लेस करने जा रहा है ऑर्बिट में। तो ये दृश्य सीधे आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। आजकल वैसे भी जो बड़ी खबरें इस तरह की आ रही हैं साउथ से ही आ रही हैं, चाहे वो शशिकला की हो या फिर आज इस सैटेलाइट लॉन्च की। लेकिन कल हमने देखा था सुमित कि लिकर स्टॉक्स में अच्छा मुंह देखने को मिला था, जो शशिकला का वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद। आपका व्यू क्या है लिकर स्टॉक्स पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए ये सेक्टर ही पूरा एक बार अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश नहीं लग रहा है। अगर हम स्पेशली बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडोवल जैसे स्टॉक की, तो इन्होंने लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, अच्छी तेज़ी दिखाई है, बट अभी ये ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करेंगे, चाहे फिर वो रेडिको खेतान हो, GM ब्रूवरीज हो या फिर मैकडोवल यूनाइटेड स्पिरिट्स हो। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर एक बार शॉर्ट टर्म में बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहीं कहीं पर रेजिस्टेंस फेस करेंगे और यहाँ से करेक्शन आ सकती है। स्पेसिफिकली अगर मैकडोवल की बात करते हैं तो ये 2340-2345 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक इमीडिएटली जब तक क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती 2380-2400 के ऊपर, तब तक इसके अंदर फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग अगर लॉन्ग पोजिशन किसी की भी है तो यहाँ तो वो 2300 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे या फिर ये प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि अगर एक बार अब ये दोबारा 2300 के नीचे गया तो आने वाले दिनों में हमें फिर से 2100 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। आई थिंक एक बार अवॉइड करना चाहिए। जी, एक बार टाटा मोटर्स को फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वीकनेस अभी भी परसिस्ट कर रही है और कह सकते हैं कि वीकनेस और एक्सटेंड हुई है। अब करीब 8% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 445 के लेवल्स पर। हेमंत, क्या व्यू है आपका टाटा मोटर्स पर? जिस तरह से अब
नए शॉर्ट्स भी बिल्डअप हो रहे हैं स्टॉक में, यहाँ से और कितने नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी लग रही है? देखिए, दो चीज़ें मैं टाटा मोटर्स के बारे में बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि कल बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड हुए थे मार्केट क्लोजिंग के दौरान, तो ऐसे लग ही रहा था कि थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। 430 और 440 में पुट राइटर्स का आज जमाव देखने को मिल रहा है पहले थोड़े ही मिनट्स ट्रेड के अंदर, तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक को 435 से 440 के बीच में सपोर्ट मिलना चाहिए, पहली चीज़ ये। और अब ये स्टॉक जो है वो सेल ऑन राइज बनता जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें मार्च सीरीज में भी कल जाते हुए टाइम में 490, 480, 500 तीनों ही कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाली सीरीज में भी टाटा मोटर्स विल रिमेन अ सेल ऑन राइज। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर आप शॉर्ट हैं या आज ही शॉर्ट किया है मार्केट खुलने पे, तो 435 इज अ गुड लेवल टू कवर अप, और ऊपर जाए तो वापस 460 के 65 के आसपास आप इसको शॉर्ट कीजिए और विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 480। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में 415-420 का भी लेवल टाटा मोटर्स देख सकता है डाउनसाइड पे। बिल्कुल। खैर चलिए, इस बीच स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दृश्य सीधे इसरो के श्री हरिकोटा लॉन्च पैड से, और पीएसएलवी C-37 लिफ्ट ऑफ होने में 9, 8, 7, काउंट डाउन चल रहा है। और इसी के साथ इसरो का और एक रिकॉर्ड, एक साथ 104 सैटेलाइट्स ये प्लेस करेगा ऑर्बिट में। लेकिन लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज जब तक ये हो नहीं जाता मिशन कंप्लीट, तब तक वी हैव टू ऑब्जर्व इट। लेकिन 104 सैटेलाइट्स एक साथ प्लेस करेगा, जिसमें 3 भारतीय हैं और 101 विदेशी सैटेलाइट्स। इनफैक्ट इसमें एक यूएस की स्टार्टअप कंपनी है प्लैनेट इंक, इनके 70 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जो कि करीब 4.25 किलो के वेट वाले 70 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिसे ये अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस करने वाला है। लेकिन ये एक नया रिकॉर्ड है एक साथ 104 सैटेलाइट्स को प्लेस करने का, तो बधाई हो दीपाली, और साथ ही हमारे दर्शकों को भी बधाई इसरो की इस उपलब्धि पर। तो इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन नाउ कमिंग बैक टू दिस, गौरांग, आपने इनफैक्ट अगर न्यूज फ्लो देखा हो, यू नो, एक तो डिफेंस और दूसरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसमें न्यूज फ्लो काफ़ी है। नाउ हाउ मच ऑफ इट प्लेज आउट ऑन द स्टॉक्स इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन कल भी हमने देखा था रिलायंस डिफेंस पर खबर थी, L&T पर खबर थी डिफेंस स्पेस में, जैसे गौरांग अभी कह रहे थे कि यू नो टाटा मोटर्स में इनफैक्ट वी कैन एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी कि डिफेंस रिलेटेड जो उनका कारोबार है वो शायद पूरी तरह से फैक्टर्ड इन हुआ नहीं है। तो हेमंत, इन स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है, L&T या फिर टाटा मोटर्स? देखिए मीर, जहाँ तक टाटा मोटर्स की बात रह गई, मैंने जैसे अभी बोला 435-440 में मुझे सपोर्ट लग रहा है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। जहाँ तक लार्सन की बात रह गई, इंटरेस्टिंगली लार्सन में अब जो लार्सन है वो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि 1500 कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, 1520 एक रेजिस्टेंस भी है टेक्निकली। ऑन द डाउन साइड अब उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा 1475-1460 की रेंज में, क्योंकि 1450 पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसमें 2 स्टेप्स कर सकते हैं लार्सन में। आप डिप पे लीजिए अराउंड 1475, दैट इज ऑलवेज अ गुड रेट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1450, या फिर अगर 1510 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है लार्सन, तो फिर आप अग्रेसिवली लीजिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1480, क्योंकि तब एटलीस्ट 1550 का टारगेट बहुत क्लियर होगा। फॉर द टाइमिंग अभी रेंज में है 1475 से 1510-1515 की रेंज में। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर विद वॉल्यूम्स बाइंग है आज के सेशन में। एक तो मधुकॉन प्रोजेक्ट्स 7% ऊपर 45 के लेवल्स पर है। GMT ऑटो में मजबूती और एक्सटेंड हुई है, 2.5% ऊपर खुला था ये स्टॉक, अब 8% ऊपर आ चुका है। साथ ही आप देखिए एक ऑटो एंसलरी स्पेस का एक और शेयर टर्बरस ऑटो, यहाँ भी वॉल्यूम्स भी ठीक हैं और स्टॉक 6% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है अगेन डे हाई पर। इन तीनों स्टॉक्स में से सुमित कोई अच्छा लग रहा है आपको नई पोजीशंस के लिए?
आई थिंक मधुकोन के अंदर एक मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक इमीडिएटली अगर 45-50 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक 50 रुपये के स्तर दिखा सकता है। आई थिंक मधुकोन के अंदर एक बार बाइंग की जा सकती है, और एग्जिस्टिंग पोजिशन किसी की भी है तो वो एक बार होल्ड कर सकते हैं। 43 रुपीज़ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर होना चाहिए, और ऊपर में इमीडिएटली जैसे ही 45-50-46 के लेवल ब्रेक करेगा तो 49-50 तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक के अंदर थोड़ा सा वॉच किया जा सकता है, ध्यान रखा जा सकता है। इस बीच चलिए देख लेते हैं और कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है। IGL इस काउंटर पर 4% का मूव है, इंद्रप्रस्थ गैस पर। आशियाना हाउसिंग है जो कि करीब 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। अदानी एंटरप्राइज है जो कि 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। विविमेंट लैब्स तो है ही जो कि करीब 6-7% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर कैश में अच्छा कारोबार देखने को मिल रहा है। हेमंत, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आपका व्यू क्या है इस समय, कहीं पर लॉन्ग हैं क्या आप? देखिए, मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग, मैं हमेशा से बोलता हूँ अदानी पोर्ट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, क्योंकि जिस तरह से उसमें ओपन इंटरेस्ट वगैरह ऐड होता है, ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है। मेरे हिसाब से मैंने कल बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग देखी है, 290 में, 300 में, रिजल्ट भी ठीक आया है स्टॉक का। मुझे नहीं लगता स्टॉक अब शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी 295 के नीचे जाने वाला है। इनफैक्ट आज सुबह से मैं अभी डेटा चेक कर रहा था, 300 पुट में और राइटिंग शुरू हो गई है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में आप 325 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 303-304। और अदानी एंटरप्राइजेस भी थोड़ा ब्रेकआउट का सिचुएशन दे रहा है, बट आई विल स्टिल प्रेफर अदानी पोर्ट्स, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर हो जाता है और अदानी पोर्ट्स इज अ बेटर बेट। सो अदानी पोर्ट्स को आप देख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 303। लेकिन हेमंत, ये IGL पर नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं? इस पूरी ही सीरीज के दौरान कांस्टेंट मूवर रहा है। देखिए, गैस स्टॉक्स के बारे में पहले मैं एक मिनट लेना चाहूंगा। IGL हैज बीन अ कंप्लीट आउट परफॉर्मर, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है, इमीडिएट शॉर्ट में अब लगता है कि इट इज हेडिंग टूवर्ड्स 1100। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है। अगर आप इसी सेम सेगमेंट में देखें तो मुझे गेल भी एज अ स्टॉक इज़ नॉट लुकिंग बैड टू मी। गेल अगर आप ध्यान से देखें, कल ओपन इंटरेस्ट 6% ऐड हुआ है स्टॉक में। अब कल इंटरेस्टिंगली 490 और 480 की पुट राइटर्स इमर्ज हो रहे हैं, और स्टॉक गेल भी एक वीकली ब्रेकआउट लेवल्स की तरफ जा रहा है। इट हैज़ गॉन अबव 490 वेरी कंफर्टेबली। तो अगर अब 490 के नीचे नहीं जाता है तो गेल भी 515 टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा आप गेल पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि IGL हैज़ ऑलरेडी शोन अ वेरी गुड मूव। बट अगर आप IGL लॉन्ग हैं ऑलरेडी, तो मुझे शॉर्ट टर्म में 1100 का टारगेट नज़र आता है IGL में।